मुमरा शहर में मुमरा कौसा वासियों के लिए एक शानदार तरीके से पूरे बुटीक कंसेप्ट के साथ आपकी खिदमत में पेश है द ऑप्शन, अ कंप्लीट डेनिम हब जिसकी एक ब्रांच पहले ही थाने शहर में बेहद पॉपुलर हो चुकी है। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट डोमेस्टिक लेबल ब्रांड्स मिलेंगे, वो भी रीजनेबल कीमतों में। तो एक बार जरूर पहुंचे द ऑप्शन और देखिए, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। कलवा कब्रिस्तान पर थाने मनपा ने किया अवैध कब्जा, बिल्डर भी कर रहे अवैध कब्जा, बना रहे टॉवर, शुरू की टाकोली मोहल्ला के नागरिक ने भूख हड़ताल। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कलवा परिसर में कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल के सामने ही कब्रिस्तान है। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की यह जमीन है, औकाफ की यह जमीन है। यहां पर अब हालात ऐसे हैं कि मुर्दे दफनाने के लिए, कब्रें खोदने के लिए जमीन नहीं बची है। इसका कारण है खुद थाने महानगर पालिका ने इस कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके यहां पर अपना TMT का बस डेपो बना रखा है। इसके अलावा स्थानीय राजनीतिज्ञों की मदद से कुछ बिल्डरों ने अवैध रूप से कब्जा जमाया, साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक आशीर्वाद से प्लान पास करके यहां पर बिल्डिंगें बनाने का काम शुरू किया गया है। हम आपको बता रहे हैं कैसे यहां पर बिल्डिंगें बनाई जा रही है। साथ ही अब इस मुद्दे को लेकर के पिछले 5-6 वर्षों से लड़ने वाले जावेद शब्बीर खान, सामाजिक कार्यकर्ता है कलवा टाकोली मोहल्ला में रहने वाले, कई जगह प्रशासन में पत्र व्यवहार करने के बाद भी जब उनकी सुनवाई नहीं की गई तो उन्होंने 27 जनवरी से थाने कलेक्टर ऑफिस के करीब जो रेस्ट हाउस है उसके बाहर अपनी बेमुद्दत भूख हड़ताल शुरू कर दी है। क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर के जावेद शब्बीर खान ने, वो हम आपको बता रहे। देखिए कैसे कब्रिस्तान की कलवा के मुस्लिम समाज की लड़ाई लड़ने वाले जावेद शब्बीर खान को भी जो है दबंगों द्वारा, भूमाफिया बिल्डरों द्वारा और प्रशासन द्वारा डराया धमकाया भी जा रहा है। क्या नाम है आपका भाई, और ये कलवा में आप रेस्ट हाउस के पास उपोषण के लिए बैठे हो, क्या मसला है कब्रिस्तान का, क्या कब्रिस्तान का मामला है पूरा? मेरा नाम जावेद शब्बीर खान है, मैं रहता हूँ कलवा टाकोली मोहल्ला। हमारा एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है कलवा में टाकोली मोहल्ले में, हजरत दाऊद शाहवली दरगाह ट्रस्ट के नाम से। तो उसके ऊपर TMT वगैरह ने कब्जा किया, TMT का आगर बनाया बड़ा, और जो टावर वगैरह बने हैं और कुछ बिल्डिंग वर्क का काम चल रहे। तो हम लोगों ने वार वार इधर उधर तकरार बहुत किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग 5-6 साल से तकरार कर रहे हैं तो हम लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग आज कल से उपोषण के लिए बैठे हैं, लेकिन उपोषण बैठने के बाद भी पुलिस लोग आगे कुछ सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हम लोग को। और हम लोग को मेडिकल वगैरह होना चाहिए था, आज हम लोग 24 घंटे के ऊपर हो गया तो मेडिकल वगैरह कोई नहीं हुआ हमारा। और आज एक पुलिस वाला आया था, बोला तुम कैसा बैठा है, ऐसा बैठा है, चलो हम लोग कलेक्टर पर लेके जाते हैं तुम्हारे को और तुम्हारा उपोषण ख़त्म करो। मैं बोला ऐसा कैसा, हमारा कुछ बात सुनी नहीं और उपोषण कैसा ख़त्म कर देगा। हमारे कब्रिस्तान के बारे में कुछ लिखी था हमारे को कि भाई हम कभी देते हैं, जो लोगों ने अतिक्रमण किया उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई करने वाले। तो ये अतिक्रमण कौन किया है? ये हम लोग के इधर कोई बिल्डर है विक्रम डेवलपर्स, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स नाम से, और कोई बाहर की भी बिल्डर है, लेकिन वो इतना बड़ा काम उसका प्लान पास कैसा हुआ? हमारे पास 7 बार आए खुद ही कार्य कब्रिस्तान के नाम से, तो इसका प्लान कैसा पास होता है? कब्रिस्तान के नाम से जब जगह है 378 उसका सर्वे नंबर, CBS सर्वे नंबर 13 थे, ये उसका 7 बार प्रॉपर्टी कार्ड दिखा। और ये प्रॉपर्टी कार्ड है, अभी प्रॉपर्टी कार्ड में सिटी सर्वे में नंबर दिया 13-33 जी, पहले था 378 सर्वे नंबर, अभी 13-33। तो ये कब्रिस्तान के नाम से जगह रहने के बाद ये प्लान कैसा पास होता है? बिल्डिंग का वहाँ प्लान पास हो गया। हाँ, बिल्डिंग प्लान पास हो रहा है। तो ये वक्फ की जगह थी? वक्फ की जगह है। अच्छा, तो ये बिल्डर कब्जा करके इनलीगल बना रहे हैं। नहीं बना रहे, इनको प्लान कैसा पास होता है? TMC का होगा, एक झोपड़ा बांधे, कोई गरीब आदमी बांधता है तो ताबड़तोड़ तो तोड़ने के लिए आते, रास्ते में कोई फेरे वाला जा रहा है उसको तोड़ने के लिए आते। इसकी आप 5 साल से बता रहे हो, कंप्लेंट वगैरह की है? कम से कम इतने तकरार किए थे, इसकी पूरी फाइल बनाएगी जी, पूरी फाइल है। तो आपने इसकी कलेक्टर में, TMC में और उच्च अधिकारियों को सबको कंप्लेंट की है, तो क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? कुछ नहीं मिला, इसलिए मजबूरन हमारे को इधर उपोषण के लिए बैठना पड़ा। तो आपकी मांग पूरी नहीं होगी जब तक आप उपोषण पे बैठे रहोगे? हमको ऐसी धमकी भी आ रही इधर से, तेरे को हम लोग खंडनी में डालेंगे, तेरे को जेल में डालेंगे, तो बिल्डर लोग को ब्लैकमेल करने के लिए बैठा है,
अच्छा, हमारे साथ बार हमारे कब्र के नाम से, तो हम लोग बिल्डर को क्या ब्लैकमेल करेंगे? तो उल्टा बिल्डर चोर है, नगर से उधर के हमारे कुछ उसके पर बात नहीं करते। तो हमारा कौन सा वार्ड लगता है, किस नगर से का वार्ड लगता है? इधर है मुकुल गिनी साहब है, और परमिलता ही है, और मिलिन पाटिल है, और अपर्णा सावी साल भी है। अपर्णा सावी से हमारे अच्छे रिलेशन है, तो हमारे कोई भी काम के लिए आते हैं। लेकिन अभी दूसरा जो कुछ है, ये बड़ा मसला है, इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अभी दफनाने के लिए जगह नहीं, दफनाने के लिए जगह नहीं है कब्रिस्तान की। ऐसी अगर कब्र खोदे ना तो पूरे बाल हड्डी वगैरह सब रिटर्न आते, मतलब इतनी कम जगह बची। अभी अपना खुद का कब्रिस्तान रहने के बाद दफनाने के लिए प्रॉब्लम हो गया, तो भी बाद में क्या होगा आगे? अभी इसको पब्लिक और बढ़ रही है, दफनाने के बाद हो जाएगी। कलवा मुमरा के MLA, आपने उनको शिकायत की इस बात की? नहीं, उनको शिकायत नहीं की, शिकायत करने का रहेगा। यहाँ के जो MLA है, आपने उनसे और यहाँ के MP से बातचीत की इस मामले को लेकर के? नहीं, हम लोग उनसे बात नहीं की, लेकिन अगर हमारा आगे कुछ काम नहीं हुआ तो हम लोग इंशाल्लाह उन लोग से भी संपर्क में जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे हमारी मदद। तो कौन है यहाँ के MLA और MP? राष्ट्रवादी के जितेंद्र अवट साहब, और श्रीकांत शिंदे